ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। चलिए तो आइए अब जान लेते हैं कि रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट्स कौन कौन सी है। पहली जो कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो है आराम एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है HR एग्जीक्यूटिव का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो मुंबई की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको। अगर बात करें योग्यता की यानी कि क्वालिफिकेशन की तो आपने MBA या फिर PGDM आपने किया हुआ होना चाहिए। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ ही आपके पास 3 से 8 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगर हम सीट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। अगर हम पैकेज की बात करें तो ये कंपनी आपको 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.aramex.com। इस पर से आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस कंपनी को। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है sandeep.kasera@aramex.com। इस पर से आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप फोन के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर इस प्रकार है 09167403419। साथ ही अगली जो कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो कंपनी है डिग्निटी कंसल्टेंट्स, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है ब्रांच मैनेजर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो वेरियस लोकेशंस ऑफर करती है कंपनी आपको, जैसे कि भोपाल, सूरत और इंदौर की लोकेशंस। अगर हम योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम में। अगर हम अनुभव की बात करें तो 5 से 8 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे, नहीं तो ये जॉब आपके लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। अगर हम पैकेज की बात करें तो 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है कंपनी आपको। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इन्हें अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इनकी ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी इस प्रकार है team@dignityforlife.in। स्पेल चेक के अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही आपके उनमें और भी कोई क्वेरीज हैं जो कि आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप इनसे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09769073885। चलिए देखते हैं कि अगला कौन सा वो विभाग है जहां पर आपके लिए नौकरी अवेलेबल है। तो वो विभाग है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो पद इस विभाग के पास आपके लिए उपलब्ध है वो पद है ग्रेजुएट कार्यपालक प्रशिक्षु का पद। अगर हम सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स अवेलेबल है इनके पास आपके लिए, और आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखें वो ये कि 22 जनवरी 2016 अंतिम तिथि है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.nicindia.com। आपको जो पद है इनके जो 100 सीट्स हैं उनका पूरा मैं ब्यौरा बता देता हूं कि मैकेनिकल की 50 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल बात करें तो इलेक्ट्रिकल EEE की 15 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। साथ ही इलेक्ट्रिकल ECE की 5 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल की 10 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए यहां पर, और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, और माइनिंग की भी 10 पोस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, और साथ ही कंप्यूटर की 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए कहीं सारी सीट फिल ना हो जाए। चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं कि रोजगार समाचार में इंटरनेशनली कौन कौन सी वो कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो पहली जो वो कंपनी जो कि आपका इंटरनेशनल इंतजार कर रही है वो है विचारा टेक्नोलॉजीज, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है नेट डेवलपर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो US की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको। अगर हम योग्यता की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन तो कि आपने MCA किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही आपके पास 4 से 9 साल का अनुभव भी होना चाहिए, और सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। अगर हम पैकेज की बात करें तो 7 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर करती है कंपनी आपको। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.vichara.com। स्पेल से के अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस कंपनी को। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है career@vichara.com। स्पेल चेक लैब आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है वाव जॉब्स LC और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है क्वालिटी अश्योरेंस टेक्नीशियन का पद। आपको बता दूंगी केमिकल टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियन चाहिए इन्हें। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो दुबई की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको। साथ ही योग्यता के नाम पर बीटेक या फिर बीई आपने किया हुआ होना चाहिए। अगर हम अनुभव की बात करें तो 5 से 7 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम पैकेज की बात करें तो 14 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए सालाना का, जो कि बड़ा ही शानदार सा पैकेज है, वो पैकेज ऑफर करती है कंपनी आपको। और आपके मन में कोई भी क्वेरी है क्योंकि आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फोन से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 08439084437। दोस्तों जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी टेंशन भरा होता है क्योंकि इसमें 12th बोर्ड के साथ ही उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करनी होती है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ टिप्स जिनसे स्टूडेंट को डबल बेनिफिट हो जाए, यानी कि बोर्ड एग्जाम के साथ एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर सकें वो। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी, साइंस से 12वीं कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने बहुत ज्यादा अहम होते हैं क्योंकि इस समय उन्हें 2-2 एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी होती है, एक तो बोर्ड एग्जाम और दूसरी इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट हासिल करना एक टफ टास्क होता है। देश भर से लगभग 20 लाख छात्र प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं। अब स्टूडेंट्स को कॉलेज और IIT जैसे कई टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए 70% मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं IIT में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट में 12th बोर्ड के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाता है। ऐसे में बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना काफी कठिन होता है। ऐसे में यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो दोनों परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कर सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी है जरूरी। बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस 90% तक समान होता है, केवल पूछे गए क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा अंतर होता है। कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज्यादा ध्यान होता है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होने पर एक्यूरेसी कम हो जाती है। कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जल्दी हल करने होते हैं जिससे कम एक्यूरेसी के कारण गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसका नतीजा नेगेटिव मार्किंग के रूप में सामने आता है। यदि स्टूडेंट्स जिस भी टॉपिक पर तैयारी कर रहे हैं उसी पर 60 मिनट में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें तो ये बोर्ड और कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों के लिए लाभकारी होगा। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दें। बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में कुछ प्रश्न वन वर्ड या शॉर्ट आंसर से आते हैं। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ दिए गए सही विकल्पों की भी लिस्ट बनाते रहें तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी साथ ही हो जाएगी। पिछले साल के पेपर होंगे मददगार। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर NCERT सिलेबस पर आधारित होते हैं। यदि पुराने पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट रिकॉल की तरह काम करेगा। इसके साथ ही आप सीरीज या मॉडल पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना होगा फायदेमंद। जनवरी और फरवरी में प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अलावा स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं जाना होता है। इन दिनों में स्टूडेंट्स घर पर ही एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पुराने पेपर से मिला लें। एग्जाम की तैयारी करने में काम आने वाले कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बना लें। इन शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करें। नोट्स में लिए गए फॉर्मूलाज आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएंगे। तो दर्शकों आज के रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में जरूर सफल रहा होगा। और अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें
तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। दोस्तों अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब के साथ। अब तक आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है firstindianews.com। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।